नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। 13 मार्च 2023 सोमवार का दिन है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष आज षष्ठी तिथि, नक्षत्र रहेगा आज के दिन अनुराधा। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 11:49 से लेकर 12:41 तक रहेगा। आज का सूर्य उदय सुबह 5:57 पे, चंद्रमा की स्थिति रहेगी वृश्चिक राशि पे, यानी आपके तीसरे भाव पे चंद्रमा गोचर करेंगे। और आज का जो अशुभ समय होगा तकरीबन होगा सुबह 7:03 से लेकर 8:28 तक रहेगा। इस अशुभ समय में कोई भी शुभ और नए कार्य की शुरुआत ना करें, नहीं तो विघ्न बाधाएं आ सकती है। अब बात करते हैं आज के कन्या राशि के दैनिक राशिफल की, और ये प्रश्न चंद्र राशि पर आधारित है। कन्या राशि के जातकों, आज 7 मुख्य कार्य होकर रहेंगे, क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रत्येक कार्य आसानी से बनते नजर आएंगे, करियर में सुधार होगा, लाभ मिलेगा, पद प्रमोशन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब कुछ मिलता हुआ नजर आएगा। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, जो कार अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो कार आसानी से बनेंगे और अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। आज आपको प्रत्येक कार्यों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। कन्या राशि को आज भागदौड़ में व्यस्त रहेंगे। आज नौकरी में आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं, उच्च अधिकारियों का सपोर्ट प्राप्त होगा, सहयोगियों का साथ मिलेगा, प्राइवेट कंपनी से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्राइवेट कंपनी में अगर आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया तो आज आपको सफलता मिलेगी। सरकार की तरफ से भी आज आपको ऑफर आ सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। आज आपके मन में उत्साह भरा रहेगा, कई बड़े अवसर पर काम करेंगे और बिजनेस व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, इनकम की बढ़ोतरी होगी, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी, प्रत्येक कार्य आसानी से बनेंगे। कन्या राशि को आज काफ़ी खुश मिजाज मूड में नजर आएंगे। कोई भी फैसला लेते समय आज बहुत ही, यानी कि कई निर्णय लेंगे और असमंजस की स्थिति जो बनी रहेगी वो दूर होगी और घर परिवार के लिए सपोर्ट मिलेगा। पारिवारिक जीवन में आज आपका साथ मिलता नजर आएगा, कई बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। कन्या राशि को आज आपका दिन काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेहतरीन जाने वाला है। आज आपके कार्यों में चली आ रही परेशानियां दूर होगी, आज नए स्तर पर काम कर सकते हैं, नए निर्णय लेने के लिए जाने जाएंगे। आज गाड़ी वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, सुख साधनों में वृद्धि करेंगे, कई बड़े स्तर पर काम करेंगे, जो कार्य अभी तक अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा खास रहेगा, पार्टनर में काम करें तो आज आपका दिन काफ़ी बेहतरीन जाएगा, कई बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएँ प्राप्त होंगी। प्रत्येक कार्यों को करते समय आज निर्णय लेते समय एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें, घर परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और आज रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी, स्टील के फाइनल होने से आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, बहुत ही अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, धन और व्यापार में वृद्धि होगी, कई बड़े स्तर पर काम करने का आज आपको मौका मिल सकता है। प्रतिद्वंदियों को पीछे कर पाएंगे, प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, आज उचित निर्णय डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, कार्य क्षेत्र में खुशियाँ दस्तक देगी आज के दिन, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करने का आज मन बना सकते हैं, भविष्य की योजनाओं पर काम करेंगे, घर में परिवार के सदस्यों का सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और आज सामंजस्य की स्थिति जबरदस्त रहेगी। जो अभी तक सामंजस्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, वाद विवाद चल रहा था, किसी प्रकार के तनाव थे, दूरियां थी परिवार में, वो दूरियां मिटती नजर आएगी। आज नौकरी को लेकर चिंतित जातकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नौकरी में अगर किसी प्रकार का आपका ट्रांसफर या फिर प्रमोशन नहीं हो पा रहा था तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कई बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, कई बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ उठना बैठना होगा आज के दिन। आज आपका कई मुख्य कार्य प्राप्त होता हो नजर आएगा, कई मुख्य कार्य होंगे पूरे, क्योंकि आज के दिन बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहने वाला है, प्रत्येक कार्य आसानी से बनते नजर आएंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और कुछ इंपोर्टेंट फैसले ले सकते हैं। आज भागदौड़ में व्यस्त रहेंगे, गाड़ी वाहन की खरीदारी करेंगे, आज नई वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, घर के सुख साधनों में वृद्धि कर सकते हैं, कई महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, आज मन की इच्छाएं पूरी होती नजर आएगी, मन में जो दुविधा थी, मन में जो यानी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो वो दूर होती नजर आएगी, काफ़ी खुश नजर आएंगे, बहुत ही अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, कई बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं और आज कार्यों में प्रसिद्धि प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं।
आज आपका मन काफ़ी अच्छा रहेगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। प्रत्येक कार्य आसानी से बनते होने जाएंगे। लंबे समय से पेंडिंग काम भी आसानी से बनेंगे और धन व्यापार में वृद्धि होगी। कई बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण कार्यों में आज आपको उपलब्धियां प्राप्त होती नजर आएगी। जीवन साथी का सपोर्ट प्राप्त होगा। आज घर में जो अविवाहित जातक हैं उनके नए रिश्ते आएंगे। साथ ही साथ आपके घर में शुभ मंगल कार्य भी होंगे। शादी विवाह का आयोजन होता नजर आएगा। जिनका विवाह पहले से तय है वो वैवाहिक जीवन में बनते नजर आएंगे। तो आज घर में काफ़ी खुशियाँ रहेंगे। धर्म कर्म के कार्य करेंगे। धार्मिक कार्यों पर भाग ले सकते हैं। किसी की मदद कर सकते हैं और आज धर्म स्थल पर जा सकते हैं। माता पिता आज आपके धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने का निर्णय ले सकते हैं घर परिवार में। आज आपके यानी जीवन साथी के जो संबंध होंगे काफ़ी मधुर बने रहेंगे, मधुरता बनी रहेगी। एक दूसरे से तनाव खत्म होगा, विवाद खत्म होगा। एक दूसरे से जो सामंजस्य की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। एक दूसरे का सपोर्ट प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। एक दूसरे का सहयोग से आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी बातों को भूलकर एक नए दिन की शुरुआत करेंगे और जीवन साथी से आज आपको धन का लाभ होगा या फिर आप अपने जीवन साथी का सहयोग दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। प्रेम जीवन में खुशियां, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव पार्टनर को आज कुछ गिफ्ट और उपहार देंगे। उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। ढेर सारी मीठी मीठी बातें हो सकती है। आपस में यानी कि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। शादी विवाह के लिए चर्चाएं कर सकते हैं लेकिन उचित मौका देखकर करें। अकेलेपन का आज यानी कि एहसास खत्म होगा। एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का समय निकालेंगे। आज शिक्षा से जुड़े हुए जातकों के लिए जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा अवसर रहेगा। आज परीक्षा में आज आपको महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। परीक्षा दे रहे हैं, मन लग रहा है, सुकून मिल रहा है क्योंकि एग्जाम पे पूरी तरह से फोकस बनाए हुए हैं। अधिक से अधिक आपका ध्यान अपने एग्जाम की ओर बना हुआ है। जितना फोकस करेंगे आप अपने एग्जाम पर उतना ही आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इस समय आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर पूरी तरह से यानी समर्पित हैं और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। खान पीन की चीज़ों में ध्यान रखें। बाहर की चीज़ें जो चुटपुटी चीज़ें हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। बाहरी चीज़ें खाने से बचना होगा। और आज यात्रा करते हैं तो गाड़ी वाहन का थोड़ा सा संभल के काय यानी प्रयास करें, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें होने के योग बन रहे हैं। ऋण कर्ज किसी को न दें। ऋण कर्ज अगर किसी को देते हैं तो पैसा डूबने का खतरा बना रहेगा, फंसने का डर बना रहेगा। किसी को उधार कर्ज न दें, एग्रेसिव न रहें। आज काफ़ी खुश मिजाज मूड में रहें। क्रोध न करें, क्रोध करने से बचें, वाद विवाद करने से बचें। तो बहरहाल कहा जाए तो ठीक है, समाज में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कई बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, कई लोगों की मदद कर सकते हैं। आज आपका शुभ रंग रहेगा यहाँ पर गुलाबी कलर और भाग्य साथ निभा रहा आपका तकरीबन 85% था। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शनिदेव।